स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस नीतू कपूर जी के फिल्मी करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्यूवर्स इनकी एक्टिंग की टॉप मूवीज रही हैं धर्मवीर, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। अमर अकबर एंथोनी, इनकी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। जानी दुश्मन, इनकी सुपरहिट मूवी साबित हुई। दीवार, इनकी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। व्यूअर्स, इनकी सबसे पहली डेब्यू मूवी आई थी सूरज, जिसमें इन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट ग्रुप में काम किया था। 1970 में आई थी घर घर कहानी, इसमें भी चाइल्ड आर्टिस्ट ग्रुप में काम किया था। और पवित्र पापी आई थी 1970 में ही, इसमें भी इन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट ग्रुप में काम किया था। इनकी लीड रोल में मूवी आई थी 1973 में रिक्शा वाला, इसमें रणधीर कपूर नीतू सिंह माला सिन्हा थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी यादव की बारात, इस मूवी में नीतू सिंह जी ने स्पेशल अपियरेंस दिए थे। अगली मूवी 1974 में आई थी शतरंज की मोहरें, इस मूवी में नीतू सिंह प्रदीप कुमार और दुलारी लीड रोल में थे। ये मूवी ब्लो एवरेज रही। अगली मूवी 1974 में आई थी आशियाना, इस मूवी में नीतू सिंह रमेश देव और रहमान देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जहरीला इंसान, इसमें नीतू सिंह ऋषि कपूर मौसमी चटर्जी थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी हवस, इस मूवी में नीतू सिंह अनिल धवन विनोद मेहरा बिंदु देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1975 में रफू चक्कर, इस मूवी में नीतू सिंह ऋषि कपूर मदनपुरी देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी दीवार, इसको यश चोपड़ा जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें नीतू सिंह शशि कपूर अमिताभ बच्चन परिमी रूपा राय मदनपुरी थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर रही। इस मूवी ने 7 करोड़ 40 लाख की कमाई की। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिंदा दिल, इस मूवी में नीतू सिंह ऋषि कपूर देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी सेवक, इस मूवी में नीतू सिंह विनोद खन्ना श्यामा और रंजीत देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी रानी और लाल परी, इस मूवी में नीतू सिंह ने स्पेशल अपियरेंस दिए थे। अगली मूवी आई थी इसी साल में आंदोलन, इस मूवी में नीतू सिंह और राकेश पांडे देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी खेल खेल में, इसमें ऋषि कपूर नीतू सिंह और राकेश रोशन थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अगली मूवी आई थी 1976 में सवा लाख से एक लड़ाऊं, ये एक पंजाबी भाषा की मूवी थी, इसमें नीतू सिंह ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी 1976 में आई थी कभी कभी, इसमें अमिताभ बच्चन राखी गुलजार शशि कपूर वहीदा रहमान नीतू सिंह ऋषि कपूर थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में शराफत छोड़ दी मैंने, इसमें नीतू सिंह हेमा मालिनी फिरोज खान देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी शंकर दादा, इस मूवी में शशि कपूर नीतू सिंह अशोक कुमार देखने को मिले। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में भला मानुस, इस मूवी में नीतू सिंह रणधीर कपूर और अरुणा ईरानी थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में महाचोर, इस मूवी में राजेश खन्ना नीतू सिंह प्रेम चोपड़ा थे। ये मूवी ब्लो एवरेज रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में अदालत, इस मूवी में अमिताभ बच्चन वहीदा रहमान नीतू सिंह कादर खान अरमन हुसैन थे। ये मूवी सुपर हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में आईना, इस मूवी में नीतू सिंह जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी आई थी 1977 में अमर अकबर एंथोनी, इसको मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन परवीन बाबी ऋषि कपूर नीतू सिंह विनोद खन्ना शबाना आजमी प्राण थे। ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इस मूवी ने 15 करोड़ 25 लाख की कमाई की। अगली मूवी 1977 में आई थी धर्मवीर, इस मूवी में धर्मेंद्र जीना तमान नीतू सिंह जितेंद्र प्राण और जीवन देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। इस मूवी ने 13 करोड़ की कमाई की। अगली मूवी 1977 में आई थी दूसरा आदमी, इस मूवी में नीतू सिंह ऋषि कपूर शशि कपूर राखी गुलजार थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में प्रियात्मा, इस मूवी में नीतू सिंह और राकेश रोशन देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी परवरिश, इस मूवी अमिताभ बच्चन शबाना आजमी विनोद खन्ना नीतू सिंह अमजद खान कादर खान थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में महाबदमाश, इस मूवी में नीतू सिंह और विनोद खन्ना लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में अब क्या होगा, इसमें शत्रुघ्न सिन्हा नीतू सिंह असरानी देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1978 में जहरीली, इस मूवी में नीतू सिंह और शैलेंद्र सिंह देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में कस्मे वादे, इस मूवी में अमिताभ बच्चन राखी गुलजार रणधीर कपूर नीतू सिंह अमजद खान थे। ये मूवी सेमी हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी हीरा लाल पन्ना लाल, इसमें
में शशि कपूर, रणधीर कपूर, नीतू सिंह, जीना तमान थे। ये मूवी सेमी हिट रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में अनजाने में, इसमें ऋषि कपूर, नीतू सिंह, निरूपा राय देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में पति पत्नी और वो, इसमें नीतू सिंह जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। लीड रोल में संजीव कुमार थे। अगली मूवी इसी साल में आई थी चक्रव्यूह, इस मूवी में राजेश खन्ना, विनोद मेहरा और नीतू सिंह देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1979 में आई थी आतिश, इस मूवी में जितेंद्र, नीतू सिंह, मदनपुरी, ओमपुरी देखने को मिले। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी झूठा कहीं का, इस मूवी में ऋषि कपूर, नीतू सिंह, राकेश रोशन थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी द ग्रेट गैम्बलर, इसमें अमिताभ बच्चन, जीना तमान, नीतू सिंह लीड रोल में थे। ये मूवी सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी काला पत्थर, इस मूवी में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, नीतू सिंह, परवीन बाबी, प्रेम चोपड़ा थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में युवराज, इस मूवी में नीतू सिंह और विनोद खन्ना देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी दुनिया मेरी जेब में, इसमें नीतू सिंह, ऋषि कपूर, शशि कपूर, रंजीत देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस ब्लो एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जानी दुश्मन, ये एक हॉरर मल्टी स्टारर मूवी थी। इस मूवी में सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, संजीव कुमार, जितेंद्र, रीना राय, नीतू सिंह, रेखा थे। ये मूवी सुपर हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी ढोंगी, इस मूवी में नीतू सिंह, रणधीर कपूर, राकेश रोशन, प्रेम नाथ थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 1980 में आई थी चुनौती, इस मूवी में धर्मेंद्र, फिरोज खान, नीतू सिंह देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में द बर्निंग ट्रेन, ये एक मल्टी स्टारर मूवी थी। इसमें धर्मेंद्र, जितेंद्र, हेमा मालिनी, नीतू सिंह, विनोद खन्ना, परवीन बाबी, विनोद मेहरा थे। ये मूवी ब्लो एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी धन दौलत, इस मूवी में नीतू सिंह, ऋषि कपूर, माला सिन्हा, राजेंद्र कुमार थे। ये मूवी सेमी हिट रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में चोरों की बारात, इस मूवी में नीतू सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा, डैनी डंजम्पा देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी काला पानी, इस मूवी में नीतू सिंह, शशि कपूर, अमजद खान लीड रोल में थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी 1981 में आई थी वक्त की दीवार, इस मूवी में जितेंद्र, संजीव कुमार, नीतू सिंह, सुलक्षणा पंडित देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस ब्लो एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी 1981 में आई थी याराना, इसमें अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, अमजद खान, तनुजा, रंजीत, जीवन देखने को मिले। ये मूवी सेमी हिट रही। अगली मूवी 1982 में आई थी चोरनी, इस मूवी में जितेंद्र, नीतू सिंह, श्रीराम लागू देखने को मिले। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी 1982 में आई थी तीसरी आंख, इसमें धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, नीतू सिंह देखने को मिले। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी 1981 में आई थी राजमहल, इसमें विनोद खन्ना, नीतू सिंह, असरानी देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी खून का रिश्ता, इसमें जितेंद्र, नीतू सिंह, अमजद खान, प्राण देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी एक और एक ग्यारह, इसमें ऋषि कपूर, नीतू सिंह, विनोद खन्ना देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली 1983 में आई थी गंगा मेरी माँ, इसमें शत्रुघ्न सिन्हा, नीतू सिंह, डैनी डंजम्पा देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस ब्लो एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जाने जान, इसमें रणधीर कपूर, नीतू सिंह, अजीत देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। अगली मूवी 2009 में आई थी लव आज कल, इसमें नीतू सिंह ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी आई थी 2010 में दो दूनी चार, इसमें ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रणधीर कपूर देखने मिले। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 2012 में आई थी जब तक है जहाँ, इसमें नीतू सिंह ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। लीड रोल में शाहरुख खान और कैटरीना कैफ थे। अगली मूवी 2013 में आई थी बेशरम, इसमें ऋषि कपूर, नीतू सिंह, रणबीर कपूर, पल्लवी शारदा थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। ये इनकी 2022 में इनकी मूवी आई जुग जुग जियो, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया और यही इनकी आखिरी मूवी साबित हुई, क्योंकि इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो व्यूवर्स, ये बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस नीतू कपूर जी के एक्टिंग में बनने वाली मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनकी एक्टिंग में बनने वाली मूवीज़ में से कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या एक्ट्रेस या प्रोड्यूसर डायरेक्टर या फिर किस प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। व्यूवर्स, हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।